All right, so we should be now moving on. And as I said earlier, this next session that we will invite you to join us in is called Meri Fitarat. Mastana. I mean, Mr. Manoj Singh, Kadian, who is associated with the Saraswati Research Center, Kurukshetra, and other Indic projects. He's associated with the CMO, the government of Haryana, in the capacity of an advisor to have an interesting conversation here. Ladies and gentlemen, please enjoy this one. Over to you, Mr. Singh. Welcome, sir. Namaskar. Badon ko pranam, bhaiyon ko ram ram. Bahut powerful introduction hua aapka. I don't think I'd need to say more about introducing you and your work. I'll rather start just by straight going to the question. But before that, let me thank the organizers of Arth Cultural Quest. And thank you to Dr. Vikram Sampath, who's brought together such beautiful number of people, and as such, a lot of people who are in the same field talking about similar stuff. And well, thank you very much to the organizers. Thank you, Vikram. Let me begin by asking you a straight question. The world around here, I mean, a lot of people in the audience as well, they're probably aspiring actors, scriptwriters, and so on. I personally also want to, I'm eager to know your story. How did you, you know, venture into Bollywood, this dreamy world of Bollywood, a child coming from Amethi in UP, probably one of the most famous and then, of course, one of the most backward districts in India. So tell us about your story, please. सबसे पहले तो आप सब लोग जो यहाँ इस सर्दी के बावजूद आए और इंतज़ार किया, सारी कुर्सियाँ तो नहीं भरी हैं पर जितनी भरी हैं काफ़ी है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ इस वक्त हैं यही होने भी चाहिए, यही हमारे साथ बैठें और यही हमसे बात करें, यही हमें सुने, इतना काफ़ी। शुक्रिया। और रही बात अमेठी से मुंबई तक पहुँचने की, अब जो भी थोड़ा बहुत आपने इस एवी में देखा उन अचीवमेंट्स की, तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं शुरू से ये मानता आया हूँ कि जो छोटी जगहें होती हैं, छोटे शहर होते हैं, वहाँ पोटेंशियल हमेशा बहुत बड़ा होता है। हम जब कहीं से अपरूट कर दिए जाते हैं, तो अगर मैं अमेठी से उखड़ के, मेरी जड़ें उखड़ के मैं मुंबई आ गया, तो मेरे अंदर तड़प ज़्यादा थी बनिस्बत उन लोगों के जो लोग ऑलरेडी मुंबई में थे, एस्टेब्लिश थे, जिनके फोर फादर्स मुंबई में थे। तो मुझे उस शहर में अपनी जगह बनाने की जो भूख थी वो थोड़ी सी दूसरों से ज़्यादा थी। आपने ओपनिंग स्टेट में ये नेपोटिज्म टारगेट कर दिया। नहीं, नेपोटिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मेरा थोड़ा सा टेक अलग है, और मैं हमेशा मानता आया हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही ऐसा चला रहा है, दुनिया की हर फील्ड में है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। अगर ऐसा है कि सिनेमा में थोड़ा बहुत ये देखने को मिलता है, तो वो सिर्फ एक्टर्स के लिए है। जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आज भी आप देख लें वो सारे के सारे हार्टलैंड से ही आ रहे हैं। आज भी वहाँ कोई नेपोटिज्म नहीं है। आप इंडस्ट्री के टॉप 10 राइटर्स आज की तारीख में उठा के देख लें, किसी का भी कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं है। ये सब के सब यहीं दिल्ली से, यहीं गुड़गांव से, यहीं हरियाणा से, यहीं अमेठी से निकल के वहाँ पहुँचे हैं। तो नेपोटिज्म का कोई लेना देना इस पर्टिकुलर फील्ड से, राइटिंग से और डायरेक्शन से कतई नहीं है। सिर्फ एक्टिंग तक ही नेपोटिज्म सीमित है, उसके बाहर कुछ नहीं। ग्रेट। सो यू स्पेंड मोर देन 2 decades नाउ इन द इंडस्ट्री। दैट मेक्स मी साउंड वेरी ओल्ड मैन, आई डोंट वांट टू बिलीव दैट, बट दैट्स सो ट्रू। यू हैव ऑफ कोर्स गॉन थ्रू द स्ट्रगल्स, यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर, यू नो, द एंटायर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, द क्रेस्ट एंड ट्रफ, यू हैव सीन ऑल ऑफ इट। व्हाट हैव बीन योर अर्ली स्ट्रगल्स इन बॉलीवुड? क्या मतलब वो जो कहानियाँ बोलते हैं कि भाई पेवमेंट पे सोए या भूखमरी देखी, हम भूखे रहे काफ़ी दिन, क्या वो कहानियाँ आपके साथ भी थी? देखिए, जिन स्ट्रगल्स की हम बात कर रहे हैं अर्जुन, वो स्ट्रगल हिंदुस्तान का आम आदमी रोज़ करता है, सिर्फ इसलिए कि वो मनोज मुंतशिर ने किया और आज मनोज मुंतशिर की ये एवी चल गई, इसमें थोड़े बहुत अवार्ड शोज हैं, थोड़ी बहुत कामयाबियाँ हैं, तो वो स्ट्रगल्स ग्लोरीफाई हो गई। वरना ऐसा नहीं कि जो मैंने किया वो कोई और नहीं करता। आज की तारीख में भी जिस देश में हम हैं और यहाँ के जो हालात हैं, उसमें मुझे लगता है कम से कम 10 से 12% लोग आज भी भूखे पेट सोते हैं। इनफैक्ट एक मैंने कुछ दिन पहले एक किस्सा पढ़ा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये जान के कि आज से तकरीबन 30 साल पहले कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ भूख से एक मौत हुई थी किसी की। आप सोचें 30 साल पहले का मंजर। यूएनओ ने इंडियन गवर्नमेंट को उसके लिए बाकायदा कटघरे में खड़ा कर दिया था कि इस माहौल में, इस दौर में ये कैसे हो सकता है कि कोई भूख से मर गया, आपकी कंट्री की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। और हमारी हुकूमत को बड़ी मेहनत से ये साबित करना पड़ा था कि नहीं, ये भूख से नहीं, किन्हीं और कारणों से मरा है, कोई और वजहें थी। 30 साल गुजर गए,
30 साल में हमने इतनी तरक्की कर ली कि आज 3 लाख लोग इस देश में भूख से मरते हैं हर साल. I wonder what Prime Minister Narendra Modi has to say about it. I have no idea, but this is a fact. This is a very heartbreaking truth. तो अगर एक मनोज मुंतशिर भूखा रहा कुछ दिन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. मैं भूखा अपने सपनों के लिए रहा, क्योंकि मैं जिस शहर में था वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, वहाँ एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिससे मेरी वाकिफियत हो, तो मैं मदद की उम्मीद किससे करता. और जाहिर सी बात है कि खुददारी ने कभी ये इजाज़त नहीं दी कि आप दामन फैला के चले जाओ या आप लोगों के आगे हाथ फैला दो. तो तरीका एक ही था कि ठीक है, भूख है, बर्दाश्त करेंगे, जिएंगे. और एक उम्मीद थी हमेशा कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है. मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है. ऐ वक्त, होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है. वाह मोदी जी, वाह. बट यू हैव योर ब्रेक थ्रू ईयर प्रॉब्ली आफ्टर द सॉन्ग गलियां वॉज रिलीज, राइट? गलियां वॉज माई ब्रेक थ्रू वेन इट कम्स टू सिनेमा, बट आई वॉज डूइंग टेलीविजन इन ए बिग वे. So this was 2014 when Galiyan released, but before Galiyan I had a history and I had a plethora of reality shows in India. Whatever reality shows you must have seen till date, 80% of them have been written by me, they have been conceived by me, they have been given birth by me, starting from KBC, Jhalak Dikhla Ja, Nach Baliye, Indian Idol, India's Got Talent, MasterChef India. Aap naam lo, ye sab mere likhe hue shows the. Wow, that's some achievement, so to say. But let's move on to something more controversial. See, तो हिंदी और उर्दू की एक कॉन्ट्रोवर्सी जनरली चली रहती है कि लैंग्वेज कौन सा है, कैसे हिंदी का पतन हो रहा है. 60s 70s के अंदर जो पोइट्री थी वो, और बॉलीवुड में जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती थी उसके अंदर संस्कृत से इंस्पायर्ड या फिर हिंदी के बहुत अच्छे शब्द यूज़ होते थे. बट इन लास्ट 2 decades वी आर सीइंग अ कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन. उर्दू उठी आ रही है, हिंदी सिर्फ सो टू से फिलर का काम कर रही है. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऐसा नहीं है. हिंदी फिल्मों की जो भाषा है ना वो हमेशा हिंदी / उर्दू रही है. तो एक तो हिंदी सिनेमा जब हम बोलते हैं और जो हमारा सेंसर सर्टिफिकेट लिख के आता है हिंदी फिल्म या हिंदी सिनेमा, हिंदी चलचित्र, तो मुझे हमेशा उस पर एतराज़ होता है कि हिंदी / उर्दू क्यों नहीं कर देते? आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हिंदी को उर्दू से? मैं जानना चाहता हूँ. एक ऐसे देश में जहाँ हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है वही हमारी पहचान है, जब आप शुरुआती दौर में किताबें पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत पता होता है इनफैक्ट कि अरे ये तो हिंदी है, ये तो उर्दू है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं विद द टाइम यू रियलाइज कि ये 2 अलग अलग भाषाएं हैं ही नहीं है, तो एक ही भाषा है. तो कम से कम जो 20 साल में मैंने समझा है वो ये है कि अगर आपको एक कप चाय भी हिंदी में मांगनी हो तो आप कैसे मांगेंगे? शुद्ध हिंदी में आपको एक कप चाय मांगनी है तो आप कैसे मांगेंगे? एक कप चाय दे दो, एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए, चलिए हिंदी हो गई. ऐसे मांगते हैं आप? अगर यही चीज़ आप खालिस उर्दू में मांगना चाहेंगे, चलिए भैया एक कप चाय दे दो, आप ये उर्दू में बोलो, तो खालिस उर्दू में आप ऐसे बोलेंगे कि एक लबरेज़े तपिश प्यालाए बरगे बर्तानिया पेश किया जाए, तो आप ये भी नहीं कहते. तो मैं ये समझता हूँ कि जब हिंदी और उर्दू का पूरा फिलॉसफी है ना वो ऐसी है कि जब संस्कृत इस तरफ बैठी है सिंहासन पे, एक सिंहासन पे पर्शियन और अरबिक लैंग्वेजेस बैठी हुई हैं, जब ये दोनों तीनों लैंग्वेजेस अपने सिंहासन से नीचे उतर के ज़मीन पे आ जाती हैं तो ये हिंदी और उर्दू हो जाती हैं. वाह, तो आपने गंगा जमुनी तहजीब भी जस्टिफाई कर दी. जी. सो अनदर थिंग विच इज़ क्वाइट फेमस एंड आई वुड रादर वॉन्ट योर पिच ऑन इट, नेशनलिज्म और रोमांस. यू आर मोर ऑफ लाइक क्या कलम के बाहुबली हैं, बट आपका जो भी काम रहा है एसेंशली वो प्यार मोहब्बत इश्क उसमें रहा है. अब ये मत कहिएगा कि वो देश प्रेम भी तो प्यार है. बट द वन ऑफ द रीजन्स वाई बिहाइंड द सक्सेस ऑफ उरी वॉज, वन ऑफ कोर्स देर वॉज गुड वैल्यू कॉन्टेंट, अनदर थिंग वॉज राष्ट्रभक्ति. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए, राष्ट्रभक्ति का मतलब ये है कि राष्ट्रभक्ति कोई ढिंढोरा पीटने की चीज़ नहीं है, कोई मेडल की तरह अपने सीने पर सजा के घूमने की चीज़ नहीं है. राष्ट्रभक्ति और जिंगोइज्म में बड़ा फ़र्क है. जहाँ आप राष्ट्रभक्ति को नारेबाजी से जोड़ लेते हैं ना कि आप चौराहे पे इकट्ठा हो गए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आप राष्ट्रभक्त हो गए, तो कम से कम उस तरह की राष्ट्रभक्ति को मैं सब्सक्राइब नहीं करता. मैं समझता हूँ कि मैं एक इलाके में रहता हूँ जिसका नाम गोरेगांव है. गोरेगांव एक छोटा सा हिंदुस्तान का हिस्सा है, छोटा सा हिंदुस्तान है. अगर वहाँ से निकलते हुए मुझे केले का छिलका सड़क पर पड़ा हुआ मिला और मैं उसको इग्नोर करके निकलने के बजाय मैंने उसको उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, तो मुझसे बड़ा राष्ट्रभक्त उस वक्त कोई और नहीं है. मैंने कोई नारेबाजी नहीं की, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया.
दूसरी बात, हिंदुस्तान या किसी भी देश में जहां आप पैदा होते हैं वो आपकी जड़ों का कनेक्शन है। अगर आप चाहें भी कि आप राष्ट्रभक्त ना हो, तो आप राष्ट्रभक्त नहीं होंगे तो आप क्या होंगे? अपनी माँ से प्यार करने के लिए आपको कौन सा क्रैश कोर्स करना पड़ता है कि भाई यहाँ हम पढ़ लिख लेंगे, क्रैश कोर्स कर लेंगे तो हम माँ को प्यार करना सीखेंगे? राष्ट्रभक्ति और माँ से प्यार, ये चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती हैं, ये आप घुट्टी में लेके पैदा होते हैं। और मैं तो हमेशा ये कहता आया कि कुछ दिनों पहले ही मैंने कहीं कहा था कि भले कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्ज़ाम आ जाए। भले कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्ज़ाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। वाह। सो अब सब, सिंस यू हैव सीन द ट्रांजिशन ऑफ सिनेमा ऑल अलॉन्ग, तो 60s 70s में जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती थी, जो डायलॉग राइटिंग होती, जो पोइट्री होती थी, उसमें एक लेवल का पतन आया है कि मतलब कहाँ हम बात क्या करते रहे, इतनी खूबसूरत पोइट्री लिखा करते, और कहाँ हम आ गए, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। सो देर हैज़ बीन अ कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन, सो टू से, वॉट इज़ योर टेक ऑन इट? 60s 70s से लेकर आप शैलेंद्र, यू योर सेल्फ हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम शायरी लुधियानवी दी, तो ये कहाँ से, कब पोएट्स, सो बैक इन द डे पोएट्स और ऑथर्स जो हुआ करते रहे, देन दे बिकेम स्क्रीन राइटर्स और देन दे बिकेम सॉन्ग राइटर्स? अर्जुन, आपने इसके पहले एक बात कही थी कि पहले फिल्मों में हिंदी थी और अब हिंदी साइडलाइन हो गई है, उर्दू बची है। मैं एक बात उस वक्त कहना भूल गया कि पहले, जिस पहले की बात हम कर रहे हैं, उस पहले में ही तो ये डायलॉग्स बड़े मशहूर हुए थे ना कि तुम मुगलिया सल्तनत का ताश पिघला कर एक रक्कासा के पाँव की पाजेब बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान के अजीम और शान तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, हम ये नहीं होने देंगे। ये कौन सी हिंदी थी? मुगले आजम। और सलीम पलट के कहता है कि जिले लाही, मेरा दिल कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जहां आपकी हुकूमत चले, ये अनारकली कथा अनारकली का ही रहेगा। तो कंपेयर टू दैट, आज डायलॉग जो लिखे जा रहे हैं, आज जो गाने लिखे जा रहे हैं, उसके बारे में आप कहेंगे? डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। आज डायलॉग लिखे जा रहे हैं कि औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, वाह, काटते हैं उसका गला। तब का कॉन्टेंट भी अच्छा था, आज का भी अच्छा है। और आप ये समझ लें, भाषा एक जिंदा और जावेद चीज है, और अगर जिंदा है, जो चीज जिंदा है उसकी शर्त यह है कि वो बदलेगा जरूर। दो चीजें नहीं बदलती हैं, एक पत्थर है और दूसरी लाशें हैं, ये दो कभी नहीं बदलती। जैसा आदमी मर गया वैसा ही मर गया, खत्म हो गई कहानी उसकी। पत्थर है, सदियों तक यहां पड़ा रहेगा, नहीं बदलेगा, लेकिन जो जिंदा है वो बदलेगा। और बदलाव बहुत अच्छी चीज है। अगर कल के गाने बहुत शायराना थे, आज अगर ये लिखा जा रहा है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा ने आपको हिट किया है, इसने आपको कहीं ना कहीं किसी चीज ने आपको छुआ है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। नहीं, उसकी सेकंड लाइन में यहाँ पे बोल नहीं पा रहा। अच्छा, मैंने तो सुना नहीं गाना वो, खैर। मैं किसी भी तरह की फहश भाषा के खिलाफ हूँ, और मैं हमेशा मानता आया हूँ कि जब आप फिल्मों के गाने लिख रहे हों तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि छोटे बच्चे आपको सुनते हैं, स्कूल गोइंग किड्स आपको सुनते हैं, वो एजुकेट भी हों। सिर्फ ये ना हो कि आपने अपना काम निकाला, आपने एक सस्ता सा हिट गाना दिया और आप आगे बढ़ गए। ये जो जनरेशन आपकी तरफ देख रही है एजुकेट होने के लिए, इसको भी कुछ आप दे के जाएँ, ये ज़रूरी है। अच्छा, लेट्स सी हाउ टीवी शोज हैव इवॉल्व्ड इन इंडिया। तो एक हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए अर्जुन बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, वो सामने टाइमर लग रहा है। एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू, देर आर कंसिडरेबल क्वेश्चन एंड यू नो कॉन्ट्रोवर्सीज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, बट ये टाइमर ने मेरे को कन्फ्यूज किया हुआ। मैं समझ रहा हूँ। तो ये पाकिस्तानी शोज ऑफ लेट बड़े मतलब जन समुदाय को बहुत पसंद आ रहे हैं, वो एक जिंदगी गुलजार है, हम सफ़र, एवरीवन इज गोना टॉक अबाउट इट। और इंडियन टेलीविजन, आई वॉज इन बीचवुड एस्टेट मसूरी, 8 बजे मैं निकला, मैंने ऑर्डर दिया था और वहाँ पर टहल रहा था। मैंने पूछा कि भाई लेट क्यों हो गए, तो कहा था वो स्टाफ जो था, वो पूरा स्टाफ क्या देख रहा था, एक थी डायन या वो इच्छाधारी नागिन। अब द कंट्री वी आर लिविंग इन, जिसने हम लोग जैसे शोज निकाले या भारत एक खोज निकाली है, तो हाउ डिड दिस कंटेंट ड्रॉप, ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, कंटेंट तो डेफिनेटली ड्रॉप हुआ है। आमतौर पे मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ और हमेशा ये सोचने में बिलीव करता हूँ, ये मानने में बिलीव करता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, पर टेलीविजन के साथ तो दुर्घटना हो गई, हादसा हो गया वहाँ। और ये हादसा इसलिए हो गया कि हमारा जो सिस्टम है टेलीविजन को समझने का, और मैं इस वक्त एक टेलीविजन, एक मीडिया मुगल हैं, उनके ब्रॉडकास्ट पे बैठा हूँ। वो विक्रम वाज टेलिंग मी इट विल बी ब्रॉडकास्टेड लॉन्ग एंड डिस्टेंट। एग्जैक्टली, बट द फैक्ट इज कि हमने जो सैम्पलिंग की ना, और ये बात सच है, विक्रम भाई मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ, विक्रम संपत जी, इन्होंने मुझे बुलाया, शुक्रिया बुलाने के लिए।
हमने सैम्पलिंग करने में हमेशा बहुत कोताही की. जब आप कहते हैं कि कोई शो हिट है या कोई शो फ्लॉप है या किसी शो की रेटिंग इतनी है, तो एक्चुअली आपकी सैम्पलिंग क्या होती है? लखनऊ के हज़रतगंज इलाके के एक छोटे से चौराहे से दाएं जाके एक घर है, उस घर में 6 लोग रहते हैं, वहाँ 1 मीटर लगा हुआ है आपका रेटिंग का मीटर, एंड दैट टॉक्स अबाउट द एंटायर उत्तर प्रदेश. हाउ कैन इट टॉक अबाउट द एंटायर उत्तर प्रदेश? तो जब आप कहते हैं ना कि ये शो बड़ा हिट है, इस शो की रेटिंग बड़ी अच्छी आ रही है, रेटिंग क्या है? अब तो खैर तब भी थोड़ा चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई DTH आने के बाद, लेकिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ, पहले आपकी रेटिंग का सैम्पलिंग ही गलत था. तो उस 6 लोग की फैमिली में जो देखा जा रहा है ना, वही हिट है. उसके बाहर लोग क्या देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हमने उस सैम्पलिंग के चलते जो कंटेंट बनाया, और ये बात बड़ी बदकिस्मती की है कि कहाँ हम भारत एक खोज, कहाँ हम लोग, कहाँ बुनियाद से शुरू हुए और कहाँ आके नागिन पे गिरे. लेकिन ये है, ये बदकिस्मती है हमारी. और जब तक हम टेलीविज़न का कंटेंट TRP के लिए बनाते रहेंगे, तब तक हम नीचे ही जाते रहेंगे. दूसरा कोई तरीका नहीं है. एक तरीका ये भी था कि हम कंटेंट बनाएं, लोगों को दिखाएं, और आपकी ज़हनियत पे, आपके इंटेलेक्ट पे हमें भरोसा हो कि हम अच्छा बनाएंगे तो लोग देखेंगे. भले कोई प्रेसिडेंस नहीं है, भले हमारे सामने कोई पुराना एग्जाम्पल नहीं है कि ये शो चला है, ये शो नहीं चला, पर अच्छा कंटेंट, ये वो लोग हैं जो बहुत आगे हैं. जब जब हमने ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, हमसे गलतियाँ हुई हैं. और शायद टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है जो बदकिस्मती से ज़्यादातर ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है. बिकॉज वी कम फ्रॉम द लैंड जहाँ पे नाट्यशास्त्र है, जहाँ पे महाभारत है, जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, देयर प्लॉट्स, देयर सब प्लॉट्स थ्रू आउट. और उस उस देश में इस तरह का कॉन्टेंट आ रहा है जहाँ पे लोग इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि भाई नागिन ने रंग बदला, नागिन ने अपना रूप बदला. अब आप देखें तो ये कमाल की बात है. आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारा जो खजाना है वो कितना बड़ा है. बहुत खुश हैं पीछे वाले लोग, कहीं से बड़ी शोर शराबा आ रहा है. चलिए, बहरहाल मेरी ऑडियंस तो आप हैं. मैंने एक कहानी सुनी थी कि यूनान में एक रोम में एक भिखारी हुआ करता था. वो भिखारी एक दिन अचानक गुजर गया. वो 40 सालों तक एक जगह पर बैठ के भीख मांगता था. तो जब वो गुजर गया तो सरकारी अफसर आए, उसका जो बर्तन भांडा चिथड़े उथड़े थे सब फेंक दिए उठा के. तब तक एक पायस पादरी साहब आए, उन्होंने बोला कि यार ये भिखारी बड़ा जलील आदमी, मतलब भीख मांगना बड़ा गलत काम है. 40 साल तक इसने इस मिट्टी को गंदा किया है जहाँ ये बैठा था, इसने पवित्र किया है इस मिट्टी को. तो ऐसा करो, 2-3 फीट की मिट्टी खोद के फेंक दो और वहाँ होली वाटर वगैरह छिड़क के इसको पवित्र कर दो. यही हुआ. मजदूर बुलाए गए, मिट्टी खोदी गई 2 फीट. अचानक कुदाल किसी चीज़ से जा टकराई, टंग की आवाज़ आई. मजदूरों ने झांक के देखा, अंदर तो खजाने दबे पड़े थे, हीरे मोती जवाहरात, क्या क्या, सोने चांदी. तो आप ये सोचें कि बदकिस्मती देखें कि एक आदमी उस ज़मीन पर बैठकर 40 साल तक भीख मांगता रहा जिसके अंदर खजाने गड़े हुए थे. हमारी एकदम वही हालत है कि हम आज बैठ के भीख मांग रहे हैं वेस्ट से, पश्चिम से, ब्रिटिश टेलीविज़न से, अमेरिकन टेलीविज़न से. हम भीख मांग रहे हैं जिनके पास रामायण, महाभारत, आचार्य चतुरसेन से लेके और रामधारी सिंह दिनकर तक के खजाने दबे पड़े हैं, और हम भिखारी हो गए. मैं यही बात कहना चाह रहा था, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कंटेंट हमारे पास इतना बड़ा खजाना है. हम कहानी लेकर आ सकते हैं पृथ्वीराज चौहान की, हम कहानी लेकर आ सकते हैं सुहेल देव पासी की, हम कहानी लेकर आ सकते हैं सूरजमल जाट की, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें मुड़ तोड़ के वही सेम कन्वेंशन मिलती हैं जिसके आसपास हम स्पिन करते रहते हैं. लाइक वो मूवी थी ना बद्री की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, समथिंग ऑन दोज लाइंस. उसके अंदर एक कैरेक्टर इज फ्रॉम झांसी, बोलता है वो भोजपुरी. अरे भैया कहाँ से हो गए? अब मैं हरियाणवी लास्ट टाइम अगर किसी मूवी के अंदर, और प्रॉब्ली शायद एक लौते मूवी होगी जिसमें ढंग से हरियाणवी बोली गई है, वो लाल रंग थी जिसमें रणदीप हुड्डा हैक कर रहे थे. सो जो प्रीवियसली फॉर्म्ड वो कन्वेंशंस हैं जिनको तोड़ा कब जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बारे में कोई गलत बात नहीं कह सकता. वरुण मेरे दोस्त हैं, सो मैं उनसे जाके यहाँ मार नहीं खाना चाहता वापस. पर दूसरी बात, बट आपने बोल दिया, उनके पास इशारा पहुंच गया. नहीं नहीं, मैं उनके डिफेंस में कुछ बोलने वाला हूं. इनफैक्ट सच बात तो ये है, और ये मैं, आप इसे डिफेंस कह लें, आप इसे तिजारती मजबूरी कह लें, मजबूरी कह लें, या आप इसे सच समझ लें, लेकिन जब हम फिल्में बनाते हैं ना, तो फिल्में बनाते हुए हमें मास का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है. जहां हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर कल्ट, पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत लॉयल और बहुत ऑथेंटिक हो गए, वहाँ फिर हम मासेस तक नहीं पहुँच पाएंगे. और यही वजह है कि आपने 2 फिल्मों का नाम लिया. एक का नाम था लाल रंग, जो ऑथेंटिक थी. कितने लोगों ने देखी? हाँ तो उठाएं, कितने लोगों ने लाल रंग देखी? 3-4 लोगों ने, 5 लोगों ने. बद्रीनाथ की दुल्हनिया कितने लोगों ने देखी? ये देख लें.
तो ये जी हाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर है. मिर्जापुर इज फेयरली सक्सेसफुल एज वेल बिकॉज दे आर कमिंग इन फॉर ये न्यू एज मीडिया जो आ रहे हैं, सेट नेटफ्लिक्स आ रहे हैं, अमेजोन आ रहे हैं, देर ब्रिंगिंग वैल्यूएबल कंटेंट, अच्छी स्टोरीज इन ग्राउंड से उठा के लेकर आने हैं जो प्रॉब्ली बॉलीवुड नहीं ले पा रहा. अब आप वो बाहुबली भी आ रही है आपकी तो शायद. हाँ बाहुबली भी आ रही है और अच्छी बात है. बाहुबली के जो यहाँ फैंस बैठे हुए हैं, आप सबने बाहुबली देखी है? ग्रेट. तो बाहुबली के नाम पे क्लैप कर दीजिए यार. तो अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि बाहुबली नेटफ्लिक्स सीरीज के तौर पे, जो कि हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी नेटफ्लिक्स सीरीज होगी, और ये वो बाहुबली नहीं जो आपने देखी है, बाहुबली वन और टू की बात नहीं हो रही है यहाँ, ये बाहुबली वन के पहले की कहानी है, द राइज ऑफ शिवगामी, जो अक्टूबर या नवंबर से नेटफ्लिक्स पे आएगी. और मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि इसके डायलॉग्स और गाने मैं लिख रहा हूँ. और इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपके बीच में एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है यहाँ जो बाहुबली से अपना ब्रेक ले रहा है पहली बार, और उसने डायलॉग डायरेक्शन किया है इस पूरी सीरीज में. रितेश रजवाड़ा, खड़े होकर अपना चेहरा दिखा दो सबको. तो ये देखिए, ये सुल्तानपुर अमेठी की पैदाइश है, छोटे छोटे शहरों की, जो वहाँ से निकले तो सीधे बाहुबली के डायलॉग डायरेक्टर बन गए. ये बहुत सुनने में बड़ा लगता है, पर ये इनका पहला शो है और पहला शो ही बाहुबली. आप लेखक भी हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर अ वेरी गुड मैनेजर एज वेल मार्केटर. आप सेल्स पिच बहुत अच्छा दे देते हैं. चलिए, एक बार गुलजार साहब ने ये बात कही थी. गुलजार साहब से मैं ऐसे ही बात कर रहा था, और मैं स्ट्रगल के दिनों की बात है कि सर मैं लिखता तो अच्छा हूँ पर मैं अपने आप को मार्केट नहीं कर पाता. यू नो वॉट ही टोल्ड मी, डोंट टेक प्राइड इन दिस. इस चीज़ पर बहुत फूलने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट अच्छा नहीं कर पाते हो, ये टैलेंट भी तुम्हें आना चाहिए. अगर तुम में टैलेंट नहीं है तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते. और अभी जैसे ये बाहुबली का जो एवी चला था, इट एंडेड जहाँ पर वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल सीन कि भाई औरत की पे हाथ लगाने वाले डालने वाले की उंगलियाँ नहीं काटते, काटते हैं उसका गला. सो नाउ दिस टचेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म, सो टू से. एंड देर आर टू कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स ऑफ फेमिनिज्म इन बॉलीवुड एज वेल. एक सोनम कपूर का फेमिनिज्म हो सकता है, दूसरा फेमिनिज्म हो सकता है कंगना रनौत का, जो आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल इन हियर विल से असली संगन वही है. सो हाउ डिड यू डू दिस, व्हाट इज योर टेक ऑन फेमिनिज्म इन बॉलीवुड? पहली बात तो ये इज्म जो एक वर्ड है ना, किसी भी फीमेल को स्पेशली हिंदुस्तान की ये इज्म की ज़रूरत नहीं है. फेमिनिज्म का मतलब ये है कि जो पहला नारा है वो ये है कि हमें मर्दों के बराबर समझा जाए. मुझे लगता है आप अपना डिमोशन मांग रही हैं, आप मर्दों से हमेशा बेहतर थी, क्यों उनके बराबर होना चाहती हैं? और दूसरी बात, हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ जजमेंट्स तो ऐसे बात बात पे पास किए जाते हैं. यहाँ कोई कांड होता है, कुछ दिनों पहले की बात है, एक बहुत इसी दिल्ली में कुछ बरसों पहले एक बड़ा अशोभनीय हादसा हुआ था, तो जो हमारे पॉलिटिशियंस के बयान आए थे वो बड़े कमाल के थे. देखिए क्या है ना कि ये सब चाउमीन की वजह से, ये एक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, और हमारे पॉलिटिशियंस के, हमारे पार्लियामेंट्रियंस के स्टेटमेंट्स हैं कि ये सब चाउमीन की वजह से हो रहा है. ऐसे ये सब भोजन जो है ना, ये वासना पैदा करते हैं मन में, और ये सब तो होता ही रहेगा. चाउमीन के जो दुकानें बंद कराओ ये, तब ये सब कांड रुकेंगे. इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आते हैं. एक भाई साहब कहते हैं कि ठीक है लड़कियों से गलती हो गई तो क्या उन्हें फांसी चढ़ा देंगे? समझ रहे हैं आप? एक भाई साहब ये भी कहते हैं कि अगर लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के शाम के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो ये तो होता ही रहेगा, और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे रहना चाहिए. शास्त्रों में मर्यादाएँ लिखी हुई हैं, इन लोगों ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े. अगर आप शास्त्र वाकई पढ़ते हैं और पलट के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि शास्त्रों में 7 सतियाँ और 5 महासतियाँ बताई गई हैं. 7 सतियाँ ये सती के रूप हैं जिन्होंने अलग अलग जन्म में भगवान शंकर से ब्याह किया, और जो 5 महासतियाँ हैं जिनके लिए शास्त्र हमारे कहते हैं कि इनका नाम लेने से आप पवित्र हो जाते हैं, इनका नाम भर लेने से आपको जन्नत में जगह मिल जाती है. ये 5 महासतियाँ कौन हैं ये जानने की ज़रूरत है. अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी. इन 5ों के बारे में मैं 1 मिनट में एक बात कहूँगा कि अहिल्या वो थी जिनके साथ ऋषि गौतम की पत्नी, जिनके साथ ज़बरदस्ती छल से इंद्र भगवान ने शारीरिक संबंध बनाए थे, मतलब इनकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा मर्द थे. तारा सुग्रीव की पत्नी, जिसको बाली उसका बड़ा भाई वो हरण करके उठा के ले गया था और अंगद पैदा हुआ वहाँ, तो तारा की पत्नी में ज़िंदगी में भी एक से ज़्यादा मर्द थे. अहिल्या, तारा, मंदोदरी रावण की पत्नी जो बाद में विभीषण की भी रानी बनी,
द्रौपदी पांच पति थे, कुंती जो शादी से पहले ही माँ बन गई थी। तो औरत का जो सतीत्व तो है वो इस बात में नहीं है कि आपके ज़िंदगी में कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, आपके कितने मर्दों से रिश्ते हैं। आपका सतीत्व तो इस बात में है कि आपके अंदर जो औरत होने की चेतना है वो कितनी मजबूत है। वाह। सो योर दिस बुक मेरी फितरत है मस्ताना बिकेम ए ट्रेमेंडस बेस्ट सेलर आई बिलीव एंड बट एट द सेम टाइम 25 सेकेंड आई हैव टू रैप अप इन 25 सेकेंड तो कर दूं कर दें हम। सो लेट्स टॉक अबाउट मेरी फितरत है मस्ताना एंड ऑल्सो अबाउट व्हाट योर मैसेज इज फॉर द यूथ सिटिंग आउट देयर हु इज एस्पायरिंग टू बी एक्टर्स। किसी को एक्टर बनना है यहाँ पे? एक को बनना है वहाँ, क्या बात, आप खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? अपूर्व, वेरी गुड, वर्क टूवर्ड्स इट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बिकॉज 25 सेकेंड्स ये डॉट। अपूर्व, डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर सर? कुछ पूछना है आपको अपूर्व? नो। वेरी गुड, he's very sorted with his views. ये स्त्री के पंकज त्रिपाठी हैं जो कहते हैं हम सब जानते हैं। वेरी गुड अपूर्व, पर सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कहना ये कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो? सेवेंथ में पढ़ाई कर रहे हो ना, आप ग्रेजुएशन तक जम के पढ़ो और ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा विजन क्लियर हो जाएगा। फिर तुम्हें एक्टिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, जो करना है तुम तय करना, पर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। मानोगे मेरी बात? वेरी गुड, बैठ जाओ। आपने अमिताभ बच्चन जी के सामने भी यही कुछ कहा था ना कि अलाहाबाद पिच कर रहे थे आप, वो कहानी क्या थी? वो तो मैंने उनको इम्प्रेस करने के लिए बोला था। क्या बोला था आपने? मैं केबीसी मेरा लिखा हुआ है शो, शायद पता नहीं कितने लोगों को पता हो, मेरा पहला शो था वो। जी, जितने शेर जो बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन जी ने बोले वो यहाँ से आए हैं, मतलब लगभग सारी स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन जी की भी और शाहरुख की भी। तो जब अमिताभ साहब से पहली बार मिलना हुआ था तो केबीसी का इंटरव्यू आप ये कह लें, तो मैं तो बड़ी फटेहाली में था बहरहाल, क्योंकि स्ट्रगल के दिन थे मेरे। तो उन्होंने कुछ सुनाया उनको मैंने, तो यही मुझसे पहली बात पूछी थी कि हाँ तुम्हारी भाषा अच्छी है, कहाँ से हो? तो मैंने कहा इलाहाबाद से, इम्प्रेस मत करो मुझे। मैंने कहा इलाहाबाद से पढ़ाई हुई है, मैं अमेठी का हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बहरहाल टाइम्स अप, वो टाइम्स अप तो मैंने वो काफ़ी पहले देखा, मेरे को उसके बाद भी एक और मैसेज मिल गया कि नहीं खींचो खींचो, अच्छा लग रहा है। अच्छा, सो यूर वाई डोंट यू शेयर समथिंग? मेरी फितरत है मस्ताना किताब के अंदर जी ट्रमेंडस हिट बाय द वे इन द लास्ट डेकेड, जितनी पोइट्री की किताबें आई हैं उसमें इट हैज़ रीच द रैंक ऑफ 5 पिछले 10 सालों के अंदर जितनी, एंड इट्स ओनली बीन 1.5 months और 2 months। इनफैक्ट अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ऑफिशियली मेरी फितरत है मस्ताना को डिकेड की top 10 बेस्ट सेलर्स में शामिल किया गया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच। और मुझे अच्छी बात ये लगी इसमें कि हमारी किताब को आए हुए सिर्फ 1.5 महीने हुए थे और 1.5 महीने में हम डिकेड के top 10 में आ गए। तो ये सारा का सारा शुक्रिया आप लोगों का है, आप लोग पढ़ लेते हैं वरना तो खैर क्या था। मेरी फितरत है मस्ताना का जिक्र चला है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार पढ़ लें, क्योंकि एक तो मेरी फिल्मी शख्सियत है, मेरे फिल्मी गाने हैं जो आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन मेरी फितरत है मस्ताना में वो सब है जो मैं फिल्मों में नहीं लिख पाया, जो मैं फिल्मों में लिखते लिखते रह गया, या आप ये समझ लें कि जो फिल्मों में मुझे लिखने नहीं दिया गया। उसमें एक चैप्टर है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन तो मैं हमेशा ये मानता रहा ना कि मैं एक तो झंडा उठा के चलता हूँ ना कि आपकी वैलेंटाइन कोई लड़की है, चलिए अच्छी बात है, आप उसे कॉलेज में मिले, आपकी वैलेंटाइन है, आप उसे प्यार करें, इश्क करें, व्हाई कांट योर मदर बी योर वैलेंटाइन, व्हाई कांट शी बी योर वैलेंटाइन? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बार अपनी माँ को वैलेंटाइन बनाएं? तो वो जो उसमें एक शेर था वो कुछ यूं था कि उतारती है वो सदका मेरा हज़ारों बार, उतारती है वो सदका मेरा हज़ारों बार, मैं चिढ़ने लगता हूँ इतना सराहती है मुझे, मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, कि उतारती है वो सदका मेरा हज़ारों बार, मैं चिढ़ने लगता हूँ इतना सराहती है मुझे, ख्याल माँ के मेरी आज भी पुराने हैं, बिना गुलाब दिए भी वो चाहती है मुझे। लवली। और ये वैलेंटाइन और माँ बोल के ना आपने एक बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट पिच कर दिया। एक बात आप समझ लें लेकिन कि दुनिया में ना हर कोई, ये तो बड़ा दुखती हुई रग है हम हिंदुस्तानियों की, दुनिया में हर कोई आपसे प्यार का दावा करता है कि यार हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, हम तो बड़े साथ रहेंगे, आपके लिए गला कटा देंगे, ये है वो है, हिसाब लगा के देख लेना दुनिया में हर किसी के प्यार से माँ का प्यार 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। वाओ। और मुश्किल यही है दोस्त कि हमारे पास हर चीज़ के लिए वक्त है, हर चीज़ के लिए वक्त है हमारे पास, बस
माँ को फ़ोन करने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी, हमारा बहुत काम बहुत तेज़ चल रहा है, मम्मी टाइम नहीं मिला आपको 4 दिन से फ़ोन करने का। कुछ दिन पहले मैं इंडियन आइडल पे गया था तो मैंने वहाँ एक बात कही थी कि बहुत मसरूफ़ हो तुम, मैं चाहता हूँ आप लोग ये सुने ये चीज़, बहुत मसरूफ़ हो तुम, समझता हूँ मैं, ज़िंदगी पहियों पर भागती है, ठहर के ये सोचने का वक्त कहाँ है कि माँ आज भी तुम्हारे इंतज़ार में जागती है। अच्छे से एक दो और कर दीजिए, मैं ये पूरा कर दूं। बहुत मसरूफ हो तुम, जानता हूँ मैं, ज़िंदगी पहियों पर भागती है, ठहर के ये सोचने का वक्त कहाँ है कि माँ आज भी तुम्हारे इंतज़ार में जागती है। सुनो, एक काम करो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे ज़माने, बजाओ मोहम्मद रफ़ी के गाने, जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था, इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। शुक्रिया। देखो जिस तरह से माहौल बन रहा है, मुझे लगता है आपको एक दो और पिच कर देने चाहिए, लग रहा है माहौल बन रहा है और टाइमर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो आप टाइम छोड़िए, आप हिट कीजिए। क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? आप लोग मोहब्बत सुनना चाहते हैं या आप लोग कुछ और सुनना चाहते हैं? आप चाहें तो मैं इस माँ वाले किस्से को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये जो एक दो और ना, लेट्स टेक सम क्वेश्चन फॉर समवन, इज देयर अ क्वेश्चन? आप सवाल दे दें वहां लोगों को, बिल्कुल माइक पकड़ा दें। सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव टाइम फॉर अ क्वेश्चन नाउ, बट वी डेफिनेटली वांट टू रैप अप बाय हियरिंग। आई गॉट अ क्लीन शीट फ्रॉम द डायरेक्टर। नो सर, इट इज एक्चुअली, यस सर, डायरेक्टर इज राइट देयर, सेकंड रो। ओके, सो या गो अहेड। शुक्रिया, शुक्रिया जी। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। आप, हां, लेट्स हैव अ क्वेश्चन। हेलो जी। हेलो जी मनोज जी। जी, वेरी नाइस टू सी यू। थैंक यू सर। मेरा नाम मुद्रा है। आपसे अभी हमारी जो अभी जो बात किए थे आपने अबाउट अपना टाइम आएगा, अबाउट द रैप सॉन्ग, मेरा क्वेश्चन उसी की इस पर कि आपने कहा था कि आप किसी भी तरह के फहश लफ्ज़ों के खिलाफ है या फहश गानों के खिलाफ है, जो मैं समझता हूँ, पर जो ये रैप कल्चर जहाँ से आ रहा है, ये तो आपको और हमें सहूलियत है कि हम लोग एक प्रिविलेज से पैदा हुआ है कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। आप इतनी खूबसूरत भाषा बोलते हैं, हम समझ सकते हैं, तो ये तो हम दोनों के प्रिविलेज की बात है। पर रैप जहाँ से आ रहा है सर, वो एक वो गलियों से, स्लम्स से आने वाली चीज़ है वो, और भारत में भी वो वहीं से आया, धारावी से वो निकल के आया। बिल्कुल। और इन बच्चों को तो सर कोई तरीका ही नहीं है ना ये भाषा समझने का, तो जो भी वो छोटा मोटा जानते हैं उन लोग उसके थ्रू अपनी मन की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसमें शायद अगर वो भाषा फहश हो जाए तो उसमें क्या वो बच्चों की गलती है? मुझे तो ऐसा लगता है सर कि उन्होंने अपना कर, मैं आपके थॉट जानना चाहूँगा सर। थैंक यू जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये कि मैं रैप कल्चर के कतई खिलाफ नहीं हूँ। किसी भी तरह का कल्चर जो म्यूज़िक में है, किसी भी तरह का जॉनर जो म्यूज़िक में है, वो ख़राब हो ही नहीं सकता। अब हम ख़राब तो अगर हम भजन लिखने पे आएँ, कीर्तन लिखने पे आएँ, तो वहाँ भी हम फूहड़ बातें कर सकते हैं और रैप में भी हम कमाल की बातें कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ रैप कल्चर के। एक हादसा ज़रूर हुआ है हमारे साथ कि हमने कुछ बरस पहले हिंदी को आउटडेटेड मान लिया, या हमने ज़बान को, भाषा को बड़ा ऐसे बी ग्रेड चीज़ मान ली। जो आदमी हिंदी बोल रहा है बड़ा अनकूल है, बड़ा अनफैशनेबल है, अनसोशियबल भी है इनफैक्ट, ये शुरू हो गया। तो हुआ क्या, हमारी भाषा हिंदी से धीरे धीरे शिफ्ट होके वेस्टर्न लैंग्वेज की तरफ आ गई, इंग्लिश की तरफ आ गई, और हिंदी कहाँ रह गई पता है आपको? हिंदी रह गई वो धारावी में, हिंदी रह गई वो छोटे छोटे जो चौल वाले इलाके हैं वहाँ हिंदी रह गई, क्योंकि वहाँ तक अंग्रेज़ी पहुँची ही नहीं। अब हादसा ये हुआ कि धारावी में जो हिंदी पली बढ़ी, वो आचार्य चतुर सेन की हिंदी नहीं थी, वो रामधारी सिंह दिनकर की हिंदी नहीं थी, वो ऐसे ही हिंदी थी जो टूटी फूटी किसी तरह से काम चला के लोगों ने जोड़ ली। बरसों बरस गुजर गए, KBC आया, टेलीविज़न आया, हार्टलैंड जैसा शब्द सुनने में आया कि भाई अगर आपको कंटेंट बनाना है तो कंटेंट तो हिंदी ही चलता है इस देश में, तो ये हिंदी कंटेंट आए कहाँ से, भाषा कहाँ गई, हमारे पास तो रही नहीं। तो हमने जब भाषा खोजनी चाहिए तो भाषा हमें मिली धारावी की चौलों में, और हमें ख़राब भाषा मिली, हमें डिस्टॉर्टेड भाषा मिली।
वो भाषा हम निकाल के लाए और हमने उस पे गाने लिखे, उस भाषा को हमने ये समझ लिया गलती से कि यही सही भाषा है, वो सही भाषा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिनका भाषा से रिश्ता है, हिंदी से रिश्ता है, आपका फ़र्ज़ है कि आपके बगल जो एक छोटा सा बच्चा है आप उसको एजुकेट करें किसी तरह से, प्यार से, दुलार के, पुष्कार के, शुगर कोटेड तरीके से उसके हाथ में हिंदी की दो लाइनें पकड़ाएं, उसका मोह जगेगा और वो अच्छी हिंदी पढ़ेगा, अच्छी हिंदी बोलेगा। एंड ऑफ कोर्स टू पॉइंट्स हियर, एक फेयरली सक्सेसफुल जो रैपर है इंडिया का बादशाह, he was a student at St. Stephen's College, I believe. Yeah. And struggles ki jahan pe baat hai, you've spent a considerable time on the pavements of Mumbai. To wo bhi hai for that answer of yours. Any other question? Achha, kuch suna do. Main khada hoonga to mera frame bigdega kya agar main khade hoke baat karu to? Chalega na? Khada ho jaun? Ijazat hai? Dekhiye, main agle 5 minute mein आप सबको यहाँ से रफा दफा कर दूंगा क्योंकि मुझे थोड़े से इंडिकेशन आने लगे हैं कि वक्त ज़्यादा ले लिया हमने। थैंक यू। मैं हमेशा रोमांस पे लिखता रहा और हमेशा रोमांस पे लिखता रहा। मुझसे हमेशा लोग पूछते रहे कि भाई ये रोमांस कितना बड़ा सब्जेक्ट है कि ख़त्म ही नहीं होता आपका, और मैं कहता रहा कि मैं कब छोड़ूंगा रोना ये अभी सोचा नहीं है, मैं कब छोड़ूंगा रोना ये अभी सोचा नहीं है कि दिल की आग तक पानी अभी पहुँचा नहीं है। लेफ्ट में सारा अमेठी कॉन्सेंट्रेटेड है इस वक्त। ये मेरे दोस्त हैं, ये लोग जो है ना ये 10-20 मनोज मुंतशिर रोज बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं, इनके अंदर इतना पावर है। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। हमारा कद तो कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद हुए। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। हमारा कद तो कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद हुए। अभी कुछ राइट के लिए भी, राइट में देखिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ रहा हूँ हमेशा से। और ये अर्थ कल्चरल फेस्ट में दिल्ली में बैठ के और ठीक है, अब यहाँ से फरमाइश हुई है मोहब्बत की, तो मैं हमेशा से नॉस्टैल्जिया का पोएट रहा हूँ। मुझे हमेशा ये बात लगती रही है कि जो जितना भी लिखना पढ़ना शायरी पोइट्री है, जानिसार अख्तर साहब कह के गए थे कि ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। तो मेरे साथ भी वही है कि मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले, मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले, तुम्हारे नाम के पत्थर मेरी बुनियाद से निकले। तो दोस्तों इन्हीं यादों के नाम एक नज्म मैं आपके हवाले करके यहां से चला जाऊंगा। मैं हमेशा एक बात समझता रहा हूँ कि हम सब जिंदगी में जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से बहुत सारे लोग कामयाब हैं, बहुत सारे लोग कामयाब होने वाले हैं, बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं, लेकिन एक जब बंद कमरे में अपने आप बैठते हैं एक ख्वाहिश हमेशा रहती है कि यार सब कुछ मिल गया पर वो लड़की बस वही नहीं मिली, वही एक कमी रह गई। और मेरी एक नज्म वहाँ से जन्म लेती है कि वो मेरा चांद 100 टुकड़ों में टूटा जिसे मैं देखता था आंख भर के। वो मेरा चांद 100 टुकड़ों में टूटा जिसे मैं देखता था आंख भर के। जहां पर लाल हो जाते हैं आंसू मैं लौटा हूं उसी हद से गुजर के। वो मेरा चांद 100 टुकड़ों में टूटा जिसे मैं देखता था आंख भर के। जहां पर लाल हो जाते हैं आंसू मैं लौटा हूं उसी हद से गुजर के। मुझे मालूम है शामें तुम्हारी किसी के नाम लिखी जा चुकी हैं, मुझे मालूम है शामें तुम्हारी किसी के नाम लिखी जा चुकी हैं, मगर मैं क्या करूं कि मेरी घड़ियां तुम्हारे वक्त पे अब तक रुकी हैं। मुझे मालूम है शामें तुम्हारी किसी के नाम लिखी जा चुकी हैं, मगर मैं क्या करूं कि मेरी घड़ियां तुम्हारे वक्त पे अब तक रुकी हैं। मेरी हो तुम ये कोई ना कहेगा, मगर ये सच तो फिर भी सच रहेगा, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
ये कैसा राबता है मेरा तुमसे, तुम्हें खोने से डरता था, तुम्हें खोने से डरता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जहर बरसा है क्या नींदों पे मेरी, या मेरी आंखों में नश्तर गड़े हैं, वजह क्या है कोई समझाए मुझको, ये मेरे ख्वाब क्यों नीले पड़े हैं। जहर बरसा है क्या नींदों पे मेरी, ये मेरी आंखों में नश्तर गड़े हैं, वजह क्या है कोई समझाए मुझको, ये मेरे ख्वाब क्यों नीले पड़े हैं। तसल्ली अपनी अपने पास रखो, मुझे ये दर्द की रातें हैं प्यारी, ये मेरा इश्क है मेरा रहेगा, जरूरत ही नहीं मुझको तुम्हारी। तसल्ली अपनी अपने पास रखो, मुझे ये दर्द की रातें हैं प्यारी, ये मेरा इश्क है मेरा रहेगा, जरूरत ही नहीं मुझको तुम्हारी। खलिश अब तक मेरे दिल में दबी है, मुझे जो कल थी वो जिद आज भी है, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाह, तो तुम्हारी खैरियत के वास्ते मैं दुआएं तब भी पढ़ता था, दुआएं अब भी पढ़ता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसका आखिरी बंद सुना के मैं जाता हूँ यहाँ से। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो ना पाई। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो न पाई। हवा में घर बनाया था कभी जो, उसी के सामने बेबस पड़ा हूँ। तुम्हारे बिन दरीचा कौन खोले, कई जन्मों से मैं बाहर खड़ा हूँ। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो ना पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो ना पाई। हवा में घर बनाया था कभी जो, उसी के सामने बेबस पड़ा हूँ। तुम्हारे बिन दरीचा कौन खोले, कई जन्मों से मैं बाहर खड़ा हूँ। ये दिल जो पन्ना पन्ना फट चुका है, कभी पढ़ना कि इस पर क्या लिखा है। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो जीते जी न मेरा नाम लेंगे, उन्हीं होठों पे मरता था, उन्हीं होठों पे मरता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता। शुक्रिया, लवली, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Sad to say, but we have to wrap up the session here. Thank you. खोजो 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 खोजो